अमित जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा अहम है। एंट्रीम बजट में आप लोगों ने प्रावधान किया कि 6,000 रुपए एक साल में मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे बता रही है कि ये एक दिन का 17 रुपए पड़ता है, ये किसानों का अपमान है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग किसानों की भलाई के लिए। पहले मैं आपके पहले हिस्से की बात कर देता हूँ। देखिए, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2009 में किसानों का ऋण माफ किया, 57,000 करोड़ का ऋण माफ किया, एक बार हुआ, और 3,40,00,000 किसानों को फायदा हुआ। ये योजना से 75,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। तो पहले तो अमाउंट बहुत बड़ा होगा। एक 15 करोड़ किसानों तक, 13 करोड़ से 15 करोड़ किसानों के बीच में ये योजना पहुंचेगी। दो, और ये हर साल चलने वाली योजना है। वो 10 साल में एक बार ऋण माफ करने की कांग्रेस अध्यक्ष की जो योजना है, उसमें 5,70,000 करोड़ रुपया माफ होगा। यहां हर साल 75,000 करोड़ रुपया माफ होगा, उनकी मदद मिलेगी, और वो एक ही बार होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हर दृष्टि से ये एक व्यापक योजना है। दूसरा, देश के लगभग 60% किसान लोन ही नहीं लेते हैं। लोन लेने जितनी ज्योति उसके पास जमीन भी ही नहीं बची है। सबसे ज्यादा इनपुट्स के लिए सपोर्ट अगर किसी किसान को चाहिए, तो वो आधे एकड़, आधे से भी कम एकड़ में अपने घर के लिए जो अनाज उगाता है उसको इनपुट सपोर्ट चाहिए, बीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। तो ये योजना इसके लिए है, और मैं मानता हूं कि बहुत सोच समझकर योजना मोदी जी लेकर आए हैं, कैबिनेट लेकर आई है, और ये देश के किसानों का एक लंबे समय तक उसकी ताकत बढ़ाने में समर्थन करेगी। नए सुझाव क्या आएंगे, वो तो सुझाव आएंगे और संकल्प पत्र समिति जब लेकर आएगी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, उसी वक्त तय होगा। और आइए रुक करते हैं रविकांत का, हमारे संवाददाता हमारे साथ। रविकांत, बड़े स्पष्ट रूप से न्यूज नेशन के सवाल के जवाब में अमित शाह ने समझाया कि कैसे कांग्रेस के कर्ज माफी से ये योजना बीजेपी की अलग है। जहां एक बार कर्ज माफी का फायदा मिलता है, इस योजना के जरिए बीजेपी हर साल 75,000 करोड़ का फायदा किसानों को पहुंचा रही। देखिए विशाल, जब हमने ये सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से, उनका सीधा कहना था कि 75,000 करोड़ रुपए हर साल सीधे किसानों के अकाउंट में दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो किसानों के लिए बात करती है, वो 5 साल या 10 साल पर कर्ज माफ़ी की बात करती है, और कर्ज माफ़ी किसानों की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। इसीलिए इस बार के संकल्प पत्र में सीधे 10 करोड़ लोगों तक पहुँचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट बनाया है। अलग अलग मोबाइल वैन जो है विधानसभा में जाएंगी, और किसानों से, बुद्धिजीवी लोगों से ये पूछा जाएगा कि 2019 का जो संकल्प पत्र है उसमें वो लोग क्या चाहते हैं कि बीजेपी कौन सी नीति बनाए जिससे आम जन का भला हो। किसानों के सवाल के बीच जाएंगे और 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी, और उसके जरिए जाना जाएगा कि जनता क्या चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी के संकल्प पत्र पर न्यूज नेशन ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी बात की है, सुनते हैं क्या कुछ उनका कहना है। 10 करोड़ लोगों की बात संकल्प पत्र में, आखिर कैसे ये संभव हो पाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी मौजूद हैं। मैम, 10 करोड़ लोगों की बात संकल्प पत्र में एक चुनौती होगी, आज से इस अभियान की शुरुआत की, थोड़ा सा डिटेल बताएं। चुनौती नहीं, हमारे लिए हम अभिलाषी हैं कि ये मौका है 10 करोड़ परिवारों तक हमारे 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचने का। ये प्रयास है कि वो व्यक्ति जो प्रधान सेवक बन के जनता के आशीर्वाद से 2014 में उभरे थे, उसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत के नवनिर्माण के संकल्प को लेकर, जनता की आवाज़ को लेकर हम लोग एक नया दौर गवर्नेंस का शुरू करने जा रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार की अभिलाषा के साथ जनता जब हमसे संवाद करती है, अब उस संवाद को हम लोग अलंकृत करना चाहते हैं हमारे संकल्प पत्र में। तो ना सिर्फ हमारी जो रथ है वो जाएंगी जनता के मध्य में, ना सिर्फ सजेशंस की पेटियां जाएंगी जनता के मध्य में, बल्कि एक टोल फ्री नंबर भी है। और न्यूज नेशन के मैं सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि आप भी उस टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6357171717। बातचीत के लिए तो कुल मिलाकर के संकल्प पत्र की बात तो की जा रही है, लेकिन
ये जाहिर तौर पर चुनौती एक बड़ी बन पाएगी, क्योंकि 10 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी सीधे डायरेक्ट पहुंचेगी और उनकी वैंस वहां तक पहुंचेंगी। लेकिन देखना ये होगा जहां पर तमाम कांग्रेसी प्रदेश हैं वहां पर क्या उस तरह का रिस्पॉन्स बीजेपी को मिल पाएगा या नहीं। यानी एक तरह से बिगुल बजा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का 2019 का।